बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं मटन रोस्ट। उसके लिए हमने ये मटन लिया है, तकरीबन 1 किलो के करीब होगा या अब आधा किलो पर होगा शायद, लेकिन ये इसकी ना बड़ी बड़ी हमने बोटियाँ करवानी है क्योंकि इसने हल्की आंच पे पकना होता है। इस तरह की इसने हम इसकी हमने बोटियाँ करवा ली। अब हम इसको सेट करेंगे, एक देगची लेंगे, उसमें हम इसको इस तरह नीचे बिछा देंगे। इस तरह उसके बाद हमने 4-5 टमाटर लिए, उन्हें भी इस तरह हम लगा देंगे। लहसुन उसको भी हम इस तरह फैला देंगे। अदरक, अदरक को भी इसी तरह हम मोटा मोटा काट के रख देंगे। इसको बारीक नहीं काटना, हर चीज़ को इसी तरह साबुत ही हमने इसमें सेट करना है। हरी मिर्च ये भी हम इसी तरह ही काट, मीडियम साइज के छील के ये भी साबुत ही रखे जाएंगे। ये रख देंगे 1 टेबल स्पून, नमक ये भी 1 टेबल स्पून, बाद में हम अब इसका फ्लेवर चेक करके मज़ीद डाल देंगे, और खुश्क धनिया कुटा हुआ ये भी 1 टेबल स्पून, और पानी भर के अब हम इसे धीमी आंच पे रखेंगे कम से कम 3 घंटे के लिए, जिसमें गोश्त भी गल जाएगा, उसकी यखनी भी निकल आएगी और इसका फ्लेवर भी पूरा आ जाएगा। उसके बाद फिर हम मिलते हैं 3 घंटे के बाद। अब हम इसको देख रहे हैं, इसमें से अब हम ये सारी चीज़ें निकाल के इसकी सिर्फ यखनी रहने देंगे। अब साबुत चीज़ें हम सारी निकाल लेंगे और शोरबा रहने देंगे। इसमें अब हम खालिस घी डालेंगे, ये खालिस घी हम डालेंगे और इसको 10 मिनट और दम पे रखेंगे ताकि इसका कच्चापन घी का ख़त्म हो जाए। 10 मिनट पकने के बाद अब इसकी ये हालत है। अब इसको हम सर्व करेंगे और नान के साथ या रोगनी रोटी के साथ सर्व करेंगे। नमकीन रोश हमारा बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए रेडी है, सर्व करने के लिए। इसको बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।